बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद फैरू। आज आपके साथ बीफ कोफ्ता की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल में है एंड नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन टेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मुकम्मल देखिएगा प्लीज़। जी तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्ची ली हैं और उसमें शामिल कर दिया साथ में हरा धनिया, और मैंने तकरीबन 3 अदद ये मीडियम साइज़ की प्याज चॉप कर ली हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून नमक हस्बे जायका है, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून काली मिर्च शामिल करेंगे। चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। ओके, ये जो मसाला हमने तैयार किया है ये आप मटन में, चिकन में एंड बीफ एनी मीट जो आप लाइक करते हैं उसमें ऐड करें और इसको इसी तरीके से बनाएं। तो मैंने यहाँ पे बीफ मिंस लिया है और ये 750 ग्राम है एंड मैं यहाँ पे ब्रेड क्रम्स जो हैं ये ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बेसन को भी रोस्ट करके हल्का सा तो उसको शामिल कर सकते हैं और ये कोफ्ते को टूटे नहीं देगा। एंड नेक्स्ट मैंने एक अंडा लिया है, उसको बीट कर लिया है अच्छी तरह से और इसको मैं सिर्फ आधा शामिल करूंगी जो इसको मॉइस्ट रखेगा, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना इसमें। हमारी हाफ रेसिपी यहीं पे कंप्लीट होती है एंड बस इसको निकाल लेते हैं। 10 से 15 मिनट्स के लिए इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था थोड़ा रेस्ट में। एंड अब यहाँ पर अपने हाथों को ऑयली किया है और कोफ्ते की इस तरह से शेप बना लेंगे। और देखें, अगेन 10 मिनट्स के लिए इसको फ्रीज़र में रख देंगे। और नेक्स्ट हम अपने कड़ी की तैयारी करते हैं। कड़ी के लिए मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया है एंड 2 मीडियम चॉप्ड ऑनियन ऐड कर देंगे, 2 करी पत्ते शामिल किए हैं, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का शामिल किया है, 1 छोटी इलायची है और 1 बड़ी इलायची शामिल कर दी, 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे। प्याज हमारे गोल्डन फ्राई हो गए हैं तो इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1 टमाटर का पानी यहाँ पे ड्राई हो गया है तो 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे। 1 प्याली दही शामिल करने के बाद मैक्सिमम 15 से 20 मिनट्स मसाले को हल्की आंच पे बहुत अच्छी तरह पकाना है कि ये बिल्कुल एक जान नज़र आए, ठीक है। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि मसाले को अच्छी तरह ग्राइंड कर लें और 10 मिनट्स के लिए मसाले को पकाना है बस। जब तक हमारी करी रेडी होती है हमने क्या करना है, कोफ्ते फ्राई कर लेने हैं, बिल्कुल तेज़ आंच पे फ्राई कर। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इफ़ यू वांट वेरी फ्लेवरफुल माउथ वाटरिंग एंड डिलीशियस फूड देन मस्ट विजिट ऑन माई चैनल बिकॉज यू डोंट नीड अ सिल्वर फॉक टू ईट अ गुड फूड। करी हमारी बिल्कुल रेडी है सो इसमें कोफ्ते जो हमने फ्राई कर लिए हैं इसमें शामिल कर देंगे एंड यहाँ पे मैं 1.5 ग्लास यहाँ पे पानी का शामिल कर दूंगी और इसको पकने के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। तो मज़ेदार गर्मागर्म खुशबूदार हमारी कोफ्ता रेसिपी बिल्कुल रेडी है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे, धनिया से गार्निश कर लेंगे। वाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।